सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के लुहारागाड़ा चौक में प्रतिवर्ष होने वाली घिंदड़ का आयोजन शुरू हो चुका है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने विगत रात्रि को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाबा अखंडानाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही इस घिंदड़ का उद्घाटन मंत्री महोदय ने दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद आयोजन समिति की ओर से मंत्री महोदय का स्वागत भी किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने स्वयं घिंदड़ खेली और होली के उत्सव का आनंद लेते हुए लोगों को होली की बधाइयां दी। वहीं आयोजन समिति की ओर से भी घिंदड़ के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील लोगों से की गई है। दूसरी ओर सोमवार को घिंदड़ के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन एडीजे न्यायाधीश श्री रामपाल जाट, उपखंड अधिकारी श्री रतन कुमार स्वामी ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं दूसरे दिन ही घिंदड़ में हज़ारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। लुहारागाड़ा चौक का ये दृश्य था कि लोगों की भीड़ यहाँ पर समा नहीं रही थी। दूसरी ओर इस भीड़ की खासियत ये देखी जा रही है कि यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले भी महिलाओं की भीड़ भी अपेक्षाकृत ज़्यादा है, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी अपनी लोक संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों को निभाने के प्रति कितनी जागरूक हैं। आप भी देखिए क्या क्या हो रहा है इस दौरान। बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। चुका है अखंड बाबा अखंडानाथ जी सेवा समिति की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। शाम को उद्घाटन भी हो गया है। माननीय मंत्री जी ने भवनलाल जी ने उसका उद्घाटन किया। आप लोगों से देखने के लिए अपील करेंगे। सबसे बढ़िया कार्यक्रम है चूरू जिले में और चूरू जिले से हटकर हो रहा है। ये नया अनोखा कार्यक्रम है जो गोगा राजदर्शन द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को जो बच्चे नहीं जानते थे घिंदड़ क्या होता है क्या नहीं होता है वो लोग भी सीख गए। इससे क्या है कि बच्चों को नाचने कूदने का व्यायाम करने का भी रास्ता आता है। माताएं बहने सब लोग देखते हैं, रामे आगे से आगे अप्रोच आते रहते हैं कि इसको और कार्यक्रम को बढ़िया बनाइए। व्यवस्था तो बैठने के लिए लेडीज की अलग व्यवस्था कर रखी है हमने और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है और बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है और घिंदड़ जो नाचने के लिए है ना वो उनको अलग में हमने बाउंड्री बना के नाचने के लिए व्यवस्था अलग कर रखी है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आम लोगों से यही कहते हैं कि अखंडानाथ सेवा समिति से हर सदस्य हर जाति वर्ग जुड़े, इससे अपना जो बच्चे हैं वो घिंदड़ के बारे में जान सकें और व्यायाम सीख सकें।